अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मैक्रोनी। चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए हमें क्या कुछ दरकार होगा, कैसे बनाएंगे, चलते हैं अपने किचन में, चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। चले जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माई किचन। चिकन मैक्रोनी के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक गाजर को इस तरह से काटा है स्लाइसेस में और अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। थोड़ा सा चिकन है मेरे पास, कैप्सिकम है एक, उसको भी मैंने धो के इस तरह स्लाइसेस में काट के रख लिया है। कैबेज है और 2 कप मैक्रोनी है जिसको मैंने तकरीबन 90% बॉईल कर लिया है और अच्छे से इसका पानी निकाल के इसको स्ट्रेनर में रख लिया है। तो चलते हैं अपने पैन की तरफ। चलिए जी फ्रेंड्स, पैन में यहाँ मैं 2 टेबल स्पून अपना ऑयल ऐड करूँगी, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का डालूँगी और इसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। साथ ही मैं इसमें अपना चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए, चिकन ऐड करके मैं चिकन को फ्राई करूँगी इस तरह से जिंजर गार्लिक पेस्ट में, और पिंच ऑफ सॉल्ट जाएगा इसमें। अच्छे से फ्राई करूँगी अपने चिकन को, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। 1 टेबल स्पून इसमें विनेगर जाएगा और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी चिकन को। अब यहाँ मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड करूँगी, 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिली सॉस। इनको अच्छे से मिक्स करूँगी चिकन में इस तरह से, और अपनी कैरेट को ऐड करूँगी यहाँ पे और अच्छे से फ्राई करूँगी फुल फ्लेम पे। इसी तरह फ्राई करते करते मैं इसमें अपनी कैप्सिकम ऐड करूँगी इस तरह से, इनको भी फ्राई करूँगी। फ्राई करते करते 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर का इस तरह से, और इसको भी मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। अच्छे से मैं इनको मिक्स करती जाऊँगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी अपना सॉल्ट का, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ डालूँगी मैं अपनी कैबेज इस तरह से, और अब मैं फिर अपना फ्लेम जो है उसको स्लो नहीं करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी कि कहीं कैबेज का पानी ना छोड़े। कैबेज हाई फ्लेम पे इसकी मिक्सिंग करती जाऊँगी क्योंकि मुझे मेरी वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना, इनको इसी तरह से खड़े खड़े रखना है। इस तरह मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी प्यारी मेरी वेजिटेबल्स रेडी हैं। अब इनको हम मैक्रोनी में मिक्स करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपनी देचकी में मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ इस तरह से। अब इसमें मैं अपनी वेजिटेबल्स प्लस चिकन ऐड करूँगी इस तरह से। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मिक्स करती जाऊँगी और इनको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट का दम लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दम यहाँ मेरा कंप्लीट होता है, मेरी मज़ेदार सी मैक्रोनी बन के रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी प्यारी सी मैक्रोनी बन करके रेडी है। इस पर मैं 1 चम्मच चाट मसाला का स्प्रिंकल कर दूँगी इस तरह से, और थोड़ी सी केचप इस तरह से, अपनी मर्जी से भी आप और इसमें ऐड कर सकते हैं। माउथ वाटरिंग डिलीशियस से मेरी मैक्रोनी बनकर रेडी है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।